गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएसटी में चैप्टर सिक्स्थ सामाजिक उत्तरदायित्व चल रहा है। कल की क्लास में हमने इस पर कुछ चर्चा की थी और बात कर रहे थे सामाजिक उत्तरदायित्व व्यवसाय पर लागू होना चाहिए या नहीं। विभिन्न विद्वानों ने इसके पक्ष में और विपक्ष में अलग अलग तर्क दिए हैं। तो कल हम देख रहे थे पक्ष में तर्क, सामाजिक उत्तरदायित्व लागू होना चाहिए। इस पक्ष में तर्क देने वाले विद्वान या इस पक्ष में तर्क देने वाले लोग क्या कहना चाहते हैं। दो पॉइंट पर हमने चर्चा की थी, आज देखते हैं तीसरा पॉइंट। सरकारी विनियम से बचा, सरकार जो नियम बनाती है, नियम इसलिए बनाती है कि व्यवसाय सामाजिक उत्तरदायित्व का ठीक से पालन नहीं करते। तो पक्ष में तर्क देने वाले लोगों का यह कहना है कि व्यवसाय अगर सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन ठीक प्रकार से करता है तो सरकारी नियमों से उसका बचाव हो सकता है। व्यवसाय के दृष्टिकोण से सरकारी नियमों का पालन करना अवांछित है क्योंकि ये स्वतंत्रता को सीमित करते हैं। व्यवसाय के लिए सरकार जितने भी नियम बनाती है वो नियम व्यवसाय पर सख्ती से लागू किए जाते हैं। तो एक तरह से ये लगता है कि ये जो नियम सरकार ने बनाए हैं ये व्यवसाय की स्वतंत्रता पर बाधक है, ऐसा व्यवसायियों को महसूस होता है। अतः माना जाता है कि व्यवसायी वर्ग स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्व को ग्रहण करके सरकारी विनियम की समस्या से बच सकता है। सरकार नियम बनाती है लेकिन व्यवसायी को ऐसा लगता है कि सरकार के नियम उसके स्वतंत्रता में बाधक है, तो व्यवसायी स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करके सरकार के नियमों से बच सकता है। और जब व्यवसायी स्वेच्छा से सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करेगा तो सरकार को अधिक कानून बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। कई प्रकार के विधेयक और प्रस्ताव सरकार समाज के पक्ष में लेकर आती है जो व्यवसाय पर अंकुश लगाते हैं, तो न विधेयक लाने की जरूरत होगी न नए कानून बनाने की जरूरत होगी। अगला पॉइंट देखिए, समाज का रखरखाव। समाज का रखरखाव, यहां यह तर्क दिया जा सकता है कि कानून हर परिस्थिति के लिए नहीं बनाए जा सकते। तर्क देने वालों का यह कहना है, पक्ष में तर्क देने वालों का यह कहना है कि कानून हर परिस्थिति के लिए नहीं बनाए जा सकते। हर परिस्थिति के लिए कानून बनेंगे तो इतने सारे कानून हो जाएंगे कि हजारों किताबों में भी वो कानून नहीं समा पाएंगे। तो हर परिस्थिति के लिए कानून नहीं बनाए जा सकते। जो व्यक्ति सोचते हैं कि उन्हें वह सब कुछ व्यवसाय से नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में मिलना चाहिए, समाज के जो लोग ये सोचते हैं कि फला व्यवसाय से हमें वो नहीं मिल पा रहा है जो वास्तव में समाज को मिलना चाहिए, वे दूसरे असामाजिक गतिविधियों का आश्रय ले सकते हैं जो निश्चित रूप से सरकारी कानून में नहीं आती है।
अगर व्यवसाय समाज की सेवा नहीं करेंगे, सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन नहीं करेंगे, तो समाज के लोग ऐसी दूसरी गतिविधियों का सहारा ले सकते हैं जो कानून की नज़र में ठीक नहीं है, और ऐसी हर गतिविधि के लिए कानून नहीं बन सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। इसमें व्यवसाय के हितों को ठेस लग सकती है, अतः यह अत्यंत आवश्यक है कि व्यावसायिक संगठन सामाजिक उत्तरदायित्व की ओर जागरूक हो, इन्हें स्वीकार करें, इन्हें ग्रहण करें, सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करें। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता। व्यवसाय में संसाधनों की उपलब्धता, ये तर्क दिया जाता है कि व्यावसायिक संस्थाओं के बहुमूल्य वित्तीय और मानवीय संसाधन होते हैं। वित्त और मानव, ये दोनों किसी भी व्यवसाय के लिए महत्वपूर्ण संसाधन होते हैं। इनके बिना व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, निर्माण का काम नहीं हो सकता। जिनका उपयोग प्रभावशाली ढंग से समस्याओं के समाधान में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्यवसाय में पूंजी रूपी संसाधन और प्रतिभावान प्रबंधकों का निकाय होता है, जो वर्षों के अनुभव के आधार पर सभी समस्याओं को आसानी से सुलझा लेते हैं। अतः समाज के पास ये एक अच्छा अवसर होता है कि वह खोज करे कि संसाधन किस प्रकार व्यवसाय के विकास में सहायक हो सकते हैं। अगला देखिए, समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण। समस्याओं का लाभकारी अवसरों में रूपांतरण, पिछले तर्कों से संबंधित यह तर्क भी है कि व्यवसाय अपने गौरवपूर्ण इतिहास में से जोखिम भरी परिस्थितियों को लाभकारी सौदों में बदलने से केवल समस्याओं को ही नहीं सुलझाते, बल्कि प्रभावपूर्ण ढंग से चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। यानी व्यवसाय अन्य तर्कों की तरह यह भी तर्क दिया गया है कि व्यवसाय अगर ठीक से अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का पालन करते हैं तो व्यवसाय समस्याओं को लाभकारी अवसरों में परिवर्तित कर सकते हैं, चुनौतियों का आसानी से सामना कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, बेहतर वातावरण। यदि व्यवसाय का संचालन ऐसे समाज में होता है जहां जटिल और विविध प्रकार की समस्याएं विद्यमान है, अगर व्यवसाय का संचालन ऐसे वातावरण में होता है जहां समाज में जटिल समस्याएं विद्यमान है, तब वहां सफलता की किरण काफी कम होती है। ऐसा समाज जहां जटिलताएं मौजूद है, ऐसे समाज में व्यवसाय को सफल बनाना
आसान नहीं होता है। दूसरी ओर श्रेष्ठ समाज ऐसा वातावरण तैयार करता है जो व्यावसायिक कार्यों के लिए अधिक उचित हो। ऐसा समाज जो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ कौन होते हैं? जो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, जहां समाज में कुरीतियां नहीं है, रूढ़िवादिता नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, तो ऐसे समाज को श्रेष्ठ समाज माना गया है। तो जहां श्रेष्ठ समाज होता है वहां व्यवसाय के सफल होने की संभावनाएं कहीं अधिक होती है, जबकि जटिल समाज में जहां अनपढ़ लोग हैं, अंधविश्वासी हैं, वहां जाकर उन लोगों के बीच में अगर व्यवसाय खोला जाए तो सफल होने की संभावनाएं काफी कम होती है। तो जो इकाई लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होती है, लोगों के जीवन की गुणवत्ता के प्रति, सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के प्रति जो इकाई सर्वाधिक संवेदनशील होती है, उसे अपना व्यवसाय चलाने के लिए हमेशा अच्छे समाज की ही प्राप्ति होती है। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक समस्याओं के लिए सामाजिक समस्याओं के लिए व्यवसाय उत्तरदायी, नैतिक रूप से यह तर्क दिया जाता है, नैतिक रूप से तर्क दिया जाता है कि व्यवसाय ने स्वयं कुछ सामाजिक समस्याओं को जन्म दिया है जिससे समाज को नुकसान पहुंचता है। व्यवसाय ने स्वयं कुछ सामाजिक समस्याओं को या तो पैदा किया है या उन्हें स्थायी बनाया है। उदाहरण स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण, प्रदूषण देखने को मिलता है कारखानों के आसपास, चिमनियों से धुआं निकलता है, यातायात ट्रैफिक माल को इधर ले जाते हैं उधर ले जाते हैं तो उनसे धुआं निकलता है, शोर होता है। तो पर्यावरण प्रदूषण, असुरक्षित कार्यस्थल, सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार तथा विभेदात्मक रोजगार प्रवृत्ति ऐसे उदाहरण हैं जिनको, इन समस्याओं को व्यवसाय ने पाला है, व्यवसाय ने इनको जन्म दिया है। अतः व्यवसाय का यह नैतिक कर्तव्य है कि वे समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले तत्वों का सामना करें, न कि उन्हें समाधान के लिए अन्य व्यक्तियों पर छोड़ दें। ये जो समस्याएं हैं इनको व्यवसाय ने जन्म दिया है, तो व्यवसाय को ही इनको समाप्त करना चाहिए, इनके बारे में कुछ सोचना चाहिए, ना कि समाज पर यह छोड़ दिया जाए कि समाज अपने आप समझकर इन समस्याओं से निजात पा ले, तो ये कहना गलत होगा। तो ये थे बच्चों सामाजिक उत्तरदायित्व के पक्ष में तर्क। पक्ष में तर्क देने वाले ये कहते हैं कि व्यवसाय को सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए। अगली क्लास में बात करेंगे विपक्ष में तर्क। आज इतना ही, ओके, थैंक्स।